वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल एंड अचीविंग द गोल्स। जैसे कि हम अपनी लाइफ में कई सारे गोल्स बनाते हैं, कई सारे एम्स एंड एम्बिशंस बनाते हैं, बट क्या हमें पता है कि उन गोल्स को हमें अचीव कैसे करना चाहिए? तो आज मैं आपके साथ एक कीवर्ड शेयर करने वाला हूँ जो कि है स्मार्ट। आपके जो गोल्स होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट एज इन SMART। ये एक एक्रोनिम है जिसका मीनिंग है पहले वर्ड एस का स्पेसिफिक, मतलब अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। ऐसे गोल्स मत बनाइए जिनको आप अचीव कर तो रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप अचीव क्या कर रहे हैं। तो आप अपने अचीवमेंट को मेजर कर सकें, समय समय पे उसको नाप सकें कि आप क्या गोल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये मेजर कर सकें कि आपने कितने दिनों में कितना मेजर लूज़ किया या कितना मेजर गेन किया, ये आपको पता चलना चाहिए। थर्ड इज़ ए, विच इज़ अचीवेबल। आप रातों रात कुछ नहीं बन सकते, तो आपके जो गोल्स होने चाहिए, दो तरीके के गोल्स होते हैं बेसिकली लाइफ में, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो अगर आप गोल्स बना रहे हैं या एम्स बना रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को टारगेट करिए जो अचीवेबल हो। आर इज़ फॉर रेलेवेंट, हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या हमारा गोल, क्या हमारा औचित्य सही है, क्या हमारे इंटेंशन सही है, तो ही हम अपने गोल को पा सकते हैं। एंड टी इज़ टाइम बेस्ड, अगर आप कोई गोल रखते हैं, मन में कोई विचार रखते हैं और आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम या डेडलाइन होना चाहिए। अगर आपका गोल बिना किसी डेडलाइन के है तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि आप उसको आगे टालते ही जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।